गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आयुक्तालय की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेशन 2020-21 में एडमिशन लेने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। ये कोर्स प्रत्येक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है और इस कोर्स का नाम है आनंदम। तो आज हम इसी आनंदम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आनंदम का अर्थ है द जॉय ऑफ गिविंग, द रियल हैप्पीनेस। इस कोर्स के माध्यम से स्टूडेंट्स में कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस की भावना जागृत होगी। इस कोर्स का मेन एम ही यही है, इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू कंट्रीब्यूट सोसाइटी। स्टूडेंट्स को इस तरह से इंस्पायर किया जाए कि वो समाज की सेवा कर सकें। किसी के लिए कुछ करना बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए कुछ करना बड़ी बात नहीं है, पर ये सोचना भी कोई छोटी बात नहीं है। बी प्लेजर इन गिविंग अदर्स प्लेजर। आज के युग में जीत और प्रतिस्पर्धा जीवन का पर्याय बन गए हैं और इस गलाकाट प्रतियोगिता में युवा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड जैसी सीरियस गतिविधियों में फंसते जा रहे हैं। साथ ही वे अपने मॉरल वैल्यूज और इथिक्स को भी भूलते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि उनमें एक पॉजिटिव सोच डेवलप की जाए ताकि वे अच्छे कार्यों के माध्यम से न केवल अपना जीवन बल्कि सोसाइटी को भी बेहतर बनाने में योगदान कर सकें। लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर। लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि युवा वह शक्ति है जो जमाने को बदलती है। तो युवा जो कि देश के कर्णधार हैं, वो यदि उनकी शक्ति को पॉजिटिव कार्यों में लगाया जाए तो वो अपने देश को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए निश्चित ही रोजाना एक अच्छा कार्य करने से स्टूडेंट्स में कम्युनिटी सर्विस की भावना विकसित होगी। किसी ने सच ही कहा है, अपने लिए जिए जो उसको क्या जीना कहते हैं, जीते हैं वे ही जो औरों के हित दुख सह। अब प्रत्येक स्टूडेंट के दिमाग में एक प्रश्न उभरता है कि उन्हें करना क्या है। तो इस कोर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहली इंडिविजुअल एक्टिविटी है, यानी इसमें प्रत्येक स्टूडेंट को डेली एक ऐसा अच्छा कार्य करना है जिसमें वो किसी की हेल्प कर सके, जिससे उसको इटर्नल पीस मिलती हो। इसके लिए उसे एक डायरी या रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें वो प्रतिदिन उस अच्छे कार्य को अंकित कर सके और ये उस रिकॉर्ड उसे डेट वाइज डेली रखना है। रजिस्टर या कोई नोटबुक डालिए, उसमें रोजाना दिनांक डाल करके उसके अकॉर्डिंग जो भी अच्छा कार्य आपने किया है, जैसे पक्षियों को दाना डाला है या उसके लिए परिंदे बांधे हैं या आपने किसी बुजुर्ग की हेल्प की है। आजकल COVID-19 में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आपने किसी बुजुर्ग को उसके राशन ला करके देने में या उसकी मेडिसिन लाने में उसको देने में या उसके किसी प्रतिदिन जो डेली उसका रूटीन का वर्क है उसमें आपने उनकी हेल्प की हो, या आपने किसी नीडी पीपल जो है कोई भी गरीब बच्चा है उसकी पैसे से मदद करी हो या फिर अपना टाइम दे करके उसको पढ़ाया है। तो इस तरह के कोई भी अच्छा कार्य वो आपको डेली इस डायरी में नोट करना है। तो ये डेली एक्टिविटी का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। जो स्टूडेंट ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा वही इवेल्युएशन पर्पस के लिए क्वालिफाई करेगा। इस डेली डायरी के अकॉर्डिंग इसका कोई ये इवेल्युएटेड पार्ट नहीं है लेकिन क्वालिफाई पार्ट है, यानी जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा उसी को ही आगे फिर इवेल्युएट किया जाएगा। तो पहला काम आपको करना है सिर्फ अकेला, जो आप इंडिविजुअल एक्टिविटी है, आप अपने घर में अपनी मदर की हेल्प करते हो, किसी बुजुर्ग घर में अगर हैं या आस पड़ोस में हैं उनकी हेल्प करते हो, किसी एनिमल केयर के केयर करते हो या कोई प्लांटेशन करते हो या प्लांट के चारों तरफ कोई भी आपने पेड़ पौधा जो लगाया है उसके चारों तरफ उसमें पानी देना, खाद डालना, तो ये सब इस तरह के छोटे छोटे अच्छे कार्य जो हैं वो आपको रोजाना रिकॉर्ड करने हैं। तो ये पहला पार्ट है इंडिविजुअल एक्टिविटी। दूसरा कहलाता है ग्रुप एक्टिविटी। तो इस ग्रुप एक्टिविटी में सोशल सर्विस से संबंधित कोई भी
प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, इसमें प्रत्येक क्लास को ग्रुप्स में बांटा जाएगा और उन्हें फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप को कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और उस पर कार्य करना है। आपको दो कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स एक सेशन में बनाने होंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट 50 मार्क्स का होगा। ये इस कोर्स का इवेल्युएटेड पार्ट है, यानी इसका मूल्यांकन होगा। तो प्रत्येक प्रोजेक्ट आप 50 मार्क्स का है, आपको दो प्रोजेक्ट बनाने हैं, इसलिए 100 मार्क्स का दोनों प्रोजेक्ट टोटल मार्क्स के होंगे। यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग मार्क्स या ग्रेड्स दोनों का ही उल्लेख मार्कशीट में किया जाएगा। तो ये कार्य आपको करने हैं। अब हम इसकी डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। आनंदम कोर्स का विजन क्या है और इससे विद्यार्थियों के जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, आइए जानते हैं। ये एक क्रेडिटेड सब्जेक्ट है जिसका उद्देश्य युवाओं में जॉय ऑफ गिविंग की भावना विकसित करना है। रोजाना एक अच्छा कार्य और चैरिटी से स्टूडेंट्स में कम्युनिटी सर्विस की हैबिट डेवलप होगी। प्रसन्नता इसमें नहीं मिलती है कि हमारे पास बहुत कुछ है, वरन वास्तविक खुशी तो किसी के साथ बांटने से, किसी की केयरिंग से इनसे मिलती है। तो इस कोर्स के माध्यम से स्टूडेंट्स में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। आनंदम कम्युनिटी सर्विस सिखाता है। कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स की पर्सनल, सोशल, इथिकल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कम्युनिटी वर्क में स्टूडेंट्स की भागीदारी से उनमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेटिव पावर स्किल्स डेवलप होंगी। वे समाज की आवश्यकताओं को समझ सकेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी समझ सकेंगे, उनमें लीडरशिप क्वालिटी विकसित हो सकेगी, साथ ही दूसरी एजेंसीज के साथ वे कोऑपरेट और कोलैबोरेशन करना सीख सकेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो वॉलंटियर की भांति कार्य करेंगे। तो इस वॉलंटियरिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? एक वॉलंटियर के रूप में कार्य करने से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, आइए देखते हैं। कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में वे अपनी स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल कर सकेंगे। वे कम्युनिटी में होने वाली जो इवेंट्स हैं उनको प्लान कर सकेंगे, उनमें लीडरशिप कर सकेंगे और उन्हें बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना सीख सकेंगे। फ्री टाइम को वे अपने कॉलेज कैंपस या कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए यूज कर सकेंगे। आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, सोशल नेटवर्क का विस्तार होगा, आपकी मेंटल हेल्थ और सोशल स्किल्स विकसित होंगी, साथ ही रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलेगी वो आपको स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन से बचाएगी। तो ये वॉलंटियरिंग के जो फायदे हैं उससे स्टूडेंट्स एक इटर्नल पीस अनुभव करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसे 2020-21 एकेडमिक सेशन में जो स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए लागू किया है। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस और पीजी की जो एमए या एमएससी प्रीवियस और फाइनल ईयर की क्लासेस हैं उन सभी के लिए लागू किया गया है। यहाँ पर इस कोर्स से स्टूडेंट्स में केयरिंग एंड शेयरिंग की भावना डेवलप होगी, जिससे वो एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएगा और हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो पाएगा। तो इसीलिए इसी विजन के साथ इसे एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लागू किया गया है। अब इस कोर्स में स्टूडेंट्स को क्या करना है? तो एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ गुडनेस, तो जैसा पहले बताया था कि आपको रोजाना एक अच्छा कार्य करना है और उसे नोट करना है। सेकंड, इसमें ग्रुप एक्टिविटी है। ये ग्रुप एक्टिविटी, इसमें आपको जो ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, लोकल कम्युनिटी से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको संपन्न करने होंगे। और तीसरा आनंदम डे, जो कि मंथ में लास्ट वीक में
मनाया जाएगा, इसे प्रिंसिपल के द्वारा तय किया जाएगा और उस दिन आपको अपने किए गए कार्यों को पीपीटी के माध्यम से या किसी भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, चार्ट, पोस्टर, पीपीटी, इनके माध्यम से आपको प्रस्तुत करना होगा ताकि आप बेहतर ग्रेड पा सकें। तो ये एक क्रेडिटेड सब्जेक्ट है। मार्क्स या ग्रेड्स या दो या बोथ विल बी एंटर्ड इन द मार्कशीट एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। तो प्रत्येक सेमेस्टर, जहाँ सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ आपको प्रति सेमेस्टर एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, और जहाँ एनुअल स्कीम है वहाँ पर आपको सत्र में, पूरे सेशन में या पूरे वर्ष में दो प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट के 50 मार्क्स होंगे जो आपको 4 मंथ्स में कंप्लीट करना होगा। तो ये है आनंदम कोर्स की गाइडलाइंस। अब इसमें स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनके लिए क्या निर्देश हैं? तो प्रतिदिन कोई अच्छा काम करें और इसे डायरी में मेंटेन करें, लिखें इसे और डेट वाइज आपको इसको मेंटेन करना है। इस डायरी को आप आनंदम पीरियड जो कि 30 मिनट्स का होगा उसमें शेयर करें और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको क्लास के साथ बांटें। जहां पर सेमेस्टर सिस्टम है वहां पर उन्हें प्रति सेमेस्टर एक ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, लेकिन जहां पर एनुअल स्कीम है, जैसे कि हमारे कॉलेज में ये एनुअल स्कीम के अंतर्गत आता है, तो यहां आपको पर ईयर, साल, एक साल में आपको 2 ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होंगे। पहला ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट जुलाई से अक्टूबर तक, यानी जो भी ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट है उसे 4 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। तो इसे पहले प्रोजेक्ट को जुलाई टू अक्टूबर बांटा गया है और दूसरा है वो नवंबर टू फेब्रवरी तक या फेब तक कंप्लीट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को अपने अच्छे कार्य के फोटोग्राफ्स लेने होंगे। अच्छा, अगर आपको इसका इवैल्यूएशन या आप अच्छे ग्रेड चाहते हैं तो आपको उसको डॉक्यूमेंट करना होगा। फोटोग्राफ्स, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं आप, प्रोजेक्ट के रूप में कर रहे हो या फिर आप डेली डायरी जब मेंटेन कर रहे हैं इंडिविजुअल, तब भी आप उसके फोटोग्राफ्स लीजिए। द स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनजीओ गवर्नमेंट एजेंसी दे आर वर्किंग विद 4 ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट। तो वो एनजीओ या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ यदि भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं और ये सर्टिफिकेट उनके ग्रेडिंग के काम आएगा। इसी तरह से न्यूज़पेपर में यदि आपकी कोई अच्छा कार्य करते हुए आपके प्रोजेक्ट से संबंधित यदि कोई न्यूज़ आती है तो उसकी कटिंग्स आपको रखनी है। साथ ही आनंदम डे पर वे चार्ट्स के माध्यम से या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के माध्यम से अपने ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट का डिस्प्ले कर सकते हैं जिससे उन्हें बेटर ग्रेड मिल सके। तो ये तो थी स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्शंस। अब हम देखते हैं कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने हैं, यानी वो कौन कौन से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो पहला इंडिविजुअल कार्य, तो हम कोई भी अच्छा काम जो आप अपने समाज के लिए करते हो या अपने घर के लिए करते हो उसको डायरी में मेंटेन करना है। दूसरा आपको ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये लिटरेसी प्रोग्राम हो सकता है, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, टाइम गिविंग एक्टिविटीज कम्युनिटी के लिए, यदि आपने कोई जागरूकता संबंधित आपने कोई भी कार्य किया हो, जैसे आजकल नो मास्क नो एंट्री इसके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं विद्यार्थियों के द्वारा, तो इस तरह से जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है गवर्नमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग, उससे संबंधित काम आपने किया हो कम्युनिटी के लिए, वो भी आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। स्पोर्ट्स लाइक योगा, मेडिटेशन, ड्रिल्स और फिजिकल एक्सरसाइज, ये किसी भी जो भी अडॉप्टेड एरिया, आपने कोई भी एरिया सेलेक्ट किया है वहाँ पर इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो आप कर सकते हो। एक्टिविटीज ऑन आर्ट्स एंड कल्चर, हम देख रहे हैं कि हम अपने कल्चर से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, तो रेस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर
जैसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे यहाँ झुंझुनू में, तो पर्टिकुलरली जो भित्ति चित्र हैं हवेलियों के, वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो उनके रेस्टोरेशन से संबंधित यदि आप किसी संस्था से जुड़ते हो, उसके लिए वर्क करते हो, तो ये भी प्रोजेक्ट इस तरह के आप ले सकते हो। और साथ ही जो एनवायरनमेंट की केयर करना और हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको अप्रिसिएट करना, उसमें अपना योगदान देना, इस तरह के प्रोजेक्ट आप ले सकते हो। इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे आप एनवायरनमेंट अवेयरनेस से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हो। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन या उनका प्रिजर्व उनको प्रिजर्वेशन करना, इस तरह का प्रोजेक्ट आप ले सकते हो। एनर्जी से संबंधित या वाटर रेस्टोरेशन से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। साथ ही जो फ्लोरा एंड फौना यानी प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज जो हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्पीसीज हैं वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई हैं, तो उनका हम वापस फिर से कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, या आप कहीं पर प्लांटेशन या एनिमल केयर सेंटर्स को भी प्रोजेक्ट के रूप में सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप है वो ओल्ड पीपल को अगर उनकी हेल्प करता है किसी भी तरीके से, मार्केट जाकर के ग्रोसरीज ला करके, यानी आपने अपना टाइम दिया है, तब ये भी एक प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हो। साथ ही सिविक एक्टिविटीज, कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनका हिस्सा बन सकते हैं, उसे प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स को पहचानिए और उनका सॉल्यूशन कीजिए, ये भी प्रोजेक्ट के रूप में लिया जा सकता है। इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स, इनको एनकरेज किया जा सकता है अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। एक कम्युनिटी गार्डन विकसित कीजिए, चिल्ड्रंस कैंप उनकी हेल्प कीजिए, अपने कॉलेज कैंपस में या कम्युनिटी में कहीं पर आप कोई बंजर जमीन देखते हो, वहां पर आप प्लांटेशन के द्वारा उसको डेवलप कर सकते हो। कि किसी भी तरह का जो प्रोजेक्ट है वो आप ले सकते हो जिससे सोसाइटी की हेल्प हो सके। तो ये थे प्रोजेक्ट्स सजेस्टिव लिस्ट, जो कार्य आप प्रोजेक्ट के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखना कैसे है? तो ये जो भी प्रोजेक्ट आप लोगे, जो आपको सत्र में दो प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक सिनॉप्सिस तैयार करेंगे अपने मेंटोर की मदद से। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, यानी आपने प्रोजेक्ट लिया है तो इसके क्या उद्देश्य हैं और आप किस तरीके से इनको संपन्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसको सोल्व करने के प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं। और इसमें इस सिनॉप्सिस में मेंटोर और पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं उनके डिटेल्स होने चाहिए, जिसमें नाम है मेंटोर का, पार्टिसिपेंट्स का, उनके एड्रेस होने चाहिए और साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर शामिल करने होंगे। साथ ही लोकेशन बतानी है कि आपने ये कार्य जो किया है, जो प्रोजेक्ट वर्क संपन्न किया है, ये किस जगह पर आपने इसको संपन्न किया है। डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज, आपने कब कब क्या क्या कार्य किया है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एंड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इनमें सोसाइटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, कितने लोगों को इससे लाभ मिला है, तो ये सब आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखने होंगे। आपको अपने वर्क के फोटोग्राफ्स लेने हो चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। साथ ही मीडिया कवरेज यदि कोई हो तो उसे भी अटैच करना चाहिए। साथ ही अगर आपने किसी एनजीओ या गवर्नमेंटल बॉडीज के साथ काम किया है तो वहां से आप सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर सकते हो। फोटोग्राफ्स ऑफ डिस्प्ले चार्ट्स और पीपीटी या वीडियो जो आपने इन प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य करते हुए तैयार किए हैं, उन्हें आनंदम डे पर आपको डिस्प्ले करना चाहिए और अपनी रिपोर्ट के साथ उसे सबमिट भी करना चाहिए। तो आप फोटोग्राफ्स लीजिए, आप अगर अखबार में कोई न्यूज़ बनती है, आपने अच्छा काम किया है, प्रोजेक्ट लिया है, तो अगर न्यूज़पेपर में उसकी कोई कवरेज आती है तो उसको भी अटैच कीजिए। कहीं से यदि आपको एनजीओ या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी से आपको सर्टिफिकेट मिलता है इस कार्य के लिए, उसको भी इसमें इंक्लूड कीजिए। और साथ ही अपने जो कार्य हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, इसे इसको चार्ट्स के माध्यम से या फिर वीडियो बनाकर या फिर पीपीटी बना करके आप
आनंदम डे पर तो इसको डिस्प्ले कीजिए ही, साथ ही अपनी रिपोर्ट के साथ भी इसको इंक्लूड कीजिए। ये फॉर्मेट है सिनॉप्सिस का। आनंदम के अंतर्गत आपको किस तरह से सिनॉप्सिस में कौन कौन सी डिटेल्स आपको लिखनी है, तो नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने उनके नंबर हैं, उनके नाम, और मेंटोर कौन है, कहाँ पर आपने किया है ये कार्य, उसकी लोकेशन है, क्या प्रोजेक्ट आपने लिया है, तो ये सब आपको इस सिनॉप्सिस के प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आपने लिया है उसके सिनॉप्सिस में मेंशन करने होंगे। तो इसमें ब्रीफ अकाउंट होगा इस प्रोजेक्ट का, ये इन इन हेडिंग्स के अंतर्गत होगा, कौन सा मेथडोलॉजी आपने किया है, आपने टारगेट क्या रखे थे, कितने आपने अचीव किए हैं, इसमें गवर्नमेंट बॉडी या एनजीओ इन्वॉल्व थे या नहीं है, और क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके प्रोजेक्ट के हैं, तो ये सब जानकारी आपको सिनॉप्सिस में इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देनी होगी। फिर है फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको किस तरह से तैयार करनी है, तो ये उसका फॉर्मेट है, स्टूडेंट का नाम क्या है और कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, और उनका जो जीमेल क्या है जहाँ पर उसने सबमिट किया है, ये टाइटल क्या है, लोकेलिटी, नेम ऑफ मेंटर, क्लास कौन सी है, ये सारी डिटेल्स आपको फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी है, सिर्फ इसके माध्यम से उसे तैयार करना है। द फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी डिवाइडेड अंडर फॉलोइंग हेड्स, उसे इस तरह से बांटा गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे पहले प्रीफेस, फिर एक्नोलेजमेंट, फिर इसमें चैप्टर होंगे, पहला चैप्टर होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आपने क्या लिया है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपने किन उद्देश्यों को लेकर के ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसमें आपने कौन सी मैथडोलॉजी आपने अडॉप्ट करी है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने की और आपको कितना टाइम आपने इसके लिए स्पेंड किया है, तो वो सब इसमें मेंशन करना होगा, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी और विद फोटोग्राफ्स एंड मीडिया कवरेज, तो ये सारे जो आपको हैं इसीलिए पहले ये बात आई थी कि फोटोग्राफ्स लेने हैं, मीडिया कवरेज हैं या फिर कोई सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब आपको यहाँ मेंशन करने होंगे, और फिर ये बताना होगा कि आपने ये प्रोजेक्ट लिया तो उसके क्या अचीवमेंट्स हैं, इस प्रोजेक्ट से सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स हुए हैं, और प्रत्येक जो ग्रुप मेंबर है उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या था, कि जितने भी मेंबर्स हैं 10 या 12 का ग्रुप, इसमें 8 से 12 का ग्रुप बांटा जाएगा इसमें, तो उनमें प्रत्येक स्टूडेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, और एंड में इसके कंक्लूजन एंड इंफरेंसेस लिखे जाएंगे, और फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नेम एंड सिग्नेचर। तो अब हम पढ़ चुके हैं आनंदम कार्यक्रम क्या है, तो अभी कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए ये ऑनलाइन रन किया जाएगा, और इसमें दो क्रेडिट्स हैं, 50 मार्क्स पर सेमेस्टर जहां सेमेस्टर सिस्टम लागू है, और जहां पर एनुअल स्कीम है वहां पर ये 100 मार्क्स का है दो प्रोजेक्ट के लिए, तो जो सेमेस्टर सिस्टम वहां इसे वन प्रोजेक्ट करना है पर सेमेस्टर, तो 50 मार्क्स एक सेमेस्टर के हैं, दो सेमेस्टर हैं तो 100 मार्क्स हो गए, और इसी तरह से एनुअल स्कीम में ये दो प्रोजेक्ट आपको पूरे साल में बनाने हैं और ये 100 मार्क्स के होंगे। पीपीटीज एंड फॉर्मेट्स फॉर सिनॉप्सिस एंड फाइनल प्रोजेक्ट्स ये हम पहले देख चुके हैं, इनको शेयर कर चुके हैं। अब है मेंटोर का क्या रोल होगा इसमें, अभी तो हमने स्टूडेंट्स के पढ़े, तो अब इसमें सभी स्टूडेंट्स की के जो ग्रुप्स होंगे प्रत्येक क्लास के लिए एक मेंटोर इसके लिए नियुक्त किया गया है, तो उसे क्या करना है, तो सबसे पहले तो जो इंडिविजुअल एक्टिविटी है आनंदम की, जो डेली एक्टिविटी स्टूडेंट्स ने की है, आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे, आपको स्टूडेंट्स को जज नहीं करना है, केवल आप सजेशंस दे सकते हैं, तो ये पहला जो पार्ट है इंडिविजुअल एक्टिविटी का, तो उसमें जो मेंटोर है वो इसका वो भी ये देखेंगे प्रति पर वीक, वो इसका जानकारी हासिल करेंगे, कौन स्टूडेंट क्या काम कर रहा है, इस डायरी जो उन्होंने मेंटेन करी है उसको वो देखेंगे, यहाँ पर वो अपने सजेशंस दे सकते हैं लेकिन उन्हें जजमेंटल नहीं होना है। साथ ही जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए वो स्टूडेंट्स को 8 to 12 स्टूडेंट्स के ग्रुप में बांटेंगे क्लास को, तो क्लास है उसमें प्रोपोर्शन के बेसिस पे 8 से 12 स्टूडेंट्स तक का ग्रुप बनाया जा सकता है, स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और वो मेंटोर को बताएंगे, तो वो मेंटोर
पहला काम करेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने सेलेक्ट किया है उसके लिए वो सिनॉप्सिस तैयार करें, और जो हमने लिस्ट देखी थी प्रोजेक्ट्स की, कौन कौन से तैयार किए जा सकते हैं, सजेशंस हैं वो उनके साथ शेयर करनी है। साथ ही उनसे हम कोई और सजेशंस भी इनवाइट कर सकते हैं। उन्हें फोटोग्राफ्स लेने के लिए, उनको सर्टिफिकेट लेने के लिए इंस्ट्रक्ट करना है, और साथ ही सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाए, फाइनल रिपोर्ट कैसे बनाई जाए, ये इंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये अभी हम दोनों चीज़ें देख चुके हैं कि सिनॉप्सिस और फाइनल रिपोर्ट हमें किन किन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तैयार करनी है। ऑनलाइन आनंदम डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि एवरी मंथ के लास्ट वीक में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके साथ ही मेंटोर, मोटिवेशनल लेक्चर्स, वीडियोस, मूवीज या वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस आनंदम डे पर। मेंटोर एक मंथली रिपोर्ट ग्रुप एक्टिविटीज की सबमिट करेंगे फोटोग्राफ्स के साथ, या जो मीडिया कवरेज है या जो भी स्टूडेंट्स उनको अवेलेबल कराएंगे तो वो अपने नोडल ऑफिसर को देंगे। तो अब इस आनंदम कोर्स के क्या आउटकम्स हैं, स्टूडेंट्स में इस कोर्स के माध्यम से कौन कौन से अच्छे जो गुण हैं वो विकसित होंगे। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस एंड एम्पैथी रिगार्डिंग कम्युनिटी इश्यूज, समाज के जो इश्यूज हैं उनके लिए उनमें अवेयरनेस, उनमें जागरूकता आएगी, साथ ही वो उसको एक अच्छी भावना के साथ समझ सकेंगे। इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कम्युनिटी के साथ वो इंटरेक्ट कर सकेंगे और सोसाइटी पर अपना प्रभाव डाल सकेंगे। मेंटोर के साथ वो अपने इंटरेक्शन कर सकेंगे, जिससे जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है वो डेवलप हो सकेगा। इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स, जिससे उनका और उनका आपस में स्टूडेंट्स भी इंटरेक्शन कर पाएंगे, उनका सोशल नेटवर्क इससे विकसित होगा, साथ ही कोऑपरेटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी, लीडरशिप क्वालिटी आएगी, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी उन्हें प्राप्त होगी। अब इसका जो कोर्स है इसका इवेल्युएशन किस तरह से होगा, उसका फॉर्मेट है ये, तो सबमिशन ऑफ रजिस्टर ऑफ एवरीडे एक्टिविटी मैंडेटरी है। जो रजिस्टर आप जिसमें मेंटेन करेंगे डेली एक्टिविटी, गुडनेस का कोई काम जो आपने किया है वो मैंडेटरी है, आवश्यक है। यदि आप ये रजिस्टर सबमिट नहीं करेंगे तो आपको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट कंटेंस प्रेजेंटेशन, आप जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसको वीडियो के माध्यम से या प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, और ये होगा 10 मार्क्स का। फोटोग्राफ ले सकते हैं पार्टिसिपेशन का और कमिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट का, तो ये भी मैक्सिमम 10 मार्क्स इसके रखे गए हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड चैलेंजिंग इश्यू एड्रेस इनोवेशन, आपने कोई नवाचार किया है, आपने कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम सोल्व की है या आपने कोई चैलेंज लिया है तो उस चैलेंजिंग इशू को उठाया है, तो ये सब जो प्रोजेक्ट के माध्यम से आपने कार्य किया है ये मैक्सिमम 30 मार्क्स का होगा। इस तरह से एक प्रोजेक्ट को 50 मार्क्स में बांटा गया है और आपको दो प्रोजेक्ट बनाने हैं। देन इवेल्यूशन ग्रेड्स इक्विलेंस, तो यहाँ पर आपको ग्रेड्स दी जाएंगी। 24 या उससे बिलो मार्क्स आते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलेगी, 25 to 34 मार्क्स आते हैं तो आपको बी ग्रेड प्राप्त होगी, यदि आपके 35 to 44 मार्क्स आए हैं तब आप ए ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं, और 45 एंड अबव मार्क्स यदि आपके आते हैं तो आपको ओ ग्रेड प्राप्त होने वाली है। तो एंड में मैं तो यही कहना चाहूंगी, टू गिव हैप्पीनेस टू अदर्स इज अ ग्रेट एक्ट ऑफ चैरिटी। थैंक यू।